नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां हैं और मिशन 2022 के अंतर्गत हमारी टीम भी पहुंच चुकी है गोंडा विधानसभा, और हमारे साथ मौजूद है गोंडा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट महनौन से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी नंदिता शुक्ला जी। नंदिता जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। गोंडा की बात की जाए तो 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है इन सीटों पर, किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की चल रही है? समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी तरीके से है। हम लोगों ने पहले से ही हर बूथ पे अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से किया है और अपने बूथ के सारे लोगों से अपना विचार विमर्श करके बूथ को बिल्कुल मजबूत करने का प्रयास पहले से ही हो गया है, साल भर पहले से ही, और रिवीजन बार बार होता रहता है और सारे बूथ के लोग सहयोग मिल रहा है हमारे साथ है। 2017 की बात की जाए तब से बीजेपी से विधायक है वहाँ पर, किस तरह के कार्य आप देख पा रही है वहाँ की जनता का, जिस तरह से आपका जनसंपर्क चल रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर काम होना बहुत जरूरी है? एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सड़कें जो हैं, जो जोड़ती हैं मुख्यालय से, वो भी खराब हैं। क्यों, पहले मैंने 2017 में प्रस्ताव दिए थे, सरकार ना होने के बाद और मैं सत्ता में भी नहीं थी, विधायक भी नहीं थी, तो काम नहीं हो पाया। और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों के समय में बेंदली जो इटिया थोक ब्लॉक में है, 133 KVA का लगा था नया, तो उससे बिजली की कुछ समस्या ठीक हुई थी और कुछ छोटे छोटे उपकेंद्र बनाए गए थे और फीडर चेंज हुए थे इटिया थोक की व्यवस्था को देखते हुए, लेकिन उसके बाद कोई भी इतनी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी है कि जनता को राहत मिले बिजली सप्लाई में। मैंने अपने समय में तार बदलाने का काम, नए ट्रांसफार्मर लगवाने का काम, और जो भी पूरे, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग अपने खेतों में आगे चल के घर बना लेते हैं, तो वहाँ तक भी विद्युत आपूर्ति अच्छी तरीके से हो सके, उसके लिए भी काम करने का प्रयास किया था। और आज भी मैं जब जाती हूँ प्रचार में तो मुझे बताया जाता है कि जहाँ तक आपने किया था वहीं तक सीमित है, अभी नहीं हुआ है। जब आप विधायक थी उसके बाद बीजेपी का कार्यकाल रहा, जिस तरह आपने समस्या बताई कि जनता का यह कहना है, इसके अलावा स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, सड़कों की स्थिति आपने बताई, किसानों की बात की जाए, क्या परेशानियां हैं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं? दावा तो किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, लेकिन फिर भी ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो वो जो काम है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा। हाँ, ये आप सही कह रही हैं, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो छोटा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है। अगर गो आश्रय केंद्र खुलवाए गए हैं लेकिन उनका संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। मैं जब गांव में जाती हूं तो मुझे बताया जाता है कि हम लोग अगर जानवरों को लेकर वहां गो आश्रय केंद्र में जाते हैं तो वहां पर जो भी उसकी रखवाली करता है, जो भी उसका जिम्मेदार आदमी है, वो वहां पर उनको रहने नहीं देता है और निकाल के बाहर कर देता है, और वहां उनको रखने के लिए भी फीस वसूल की जाती है। तो इसलिए जानवर सड़क पे घूम रहे हैं और किसानों की खेती जो चौपट हो रही है, और गन्ना किसान जो हमारा है, एक नकदी फसल है उनकी, उसका भी पेमेंट बजाज चीनी मिल नहीं दे पा रही है। मैं कल ही गई थी कई गांव में, तो वहां पे समस्या थी कि हमारा सेंटर जो है वो दतोली चीनी मिल में मनकापुर में कर दिया जाए, क्योंकि वहां का पेमेंट कुछ ठीक है लेकिन बजाज चीनी मिल से किसान बहुत परेशान है। और ये एक तो वैसे ही गन्ने की फसल चौपट हो रही है, और गेहूं और धान की खरीद के बारे में, गेहूं तो अभी आया नहीं लेकिन धान की जो खरीद थी वो सुचारू रूप से नहीं हुई, किसानों का धान भी खराब हो गया और किसी ने बेचा भी तो औने पौने दाम पे बेच दिया, तो किसान बहुत त्रस्त है। और हमारा जो घोषणा पत्र है अखिलेश जी ने जो जारी किया है उसमें किसानों के संबंध में आप देख ही रही हैं, पूरा उन्होंने किसानों को पूरा फोकस करते हुए, जो हमारे भारतीय समाज की, हमारे भारतवर्ष की रीढ़ है किसान, 80% जो है हम लोग खेती किसानी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उन्होंने घोषणा दिया है और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा कार्य रहेगा अखिलेश जी का। घोषणा पत्र में दो मुख्य अगर देखा जाए तो एक 300 यूनिट फ्री बिजली और एक पेंशन बहाली, जो ध्रुवीकरण देखा जा रहा है उससे इस चुनाव में, तो प्रभाव पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। 300 यूनिट जो बिजली की समस्या से ग्रसित जो किसान हैं, जनसाधारण लोग हैं, वो उत्साहित हैं कि कम से कम हम लोगों को कार्य करने के लिए, सींचने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और हम कम से कम निजात पा सकेंगे, अपनी खेती में सिंचाई कर सकेंगे और अच्छी उपज कर सकेंगे। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए,
कोई पूरा नहीं हुआ है जी। जनता का प्यार आपको इस बार मिला, तो क्या कुछ विकास के कार्य होंगे जो महत्वपूर्णता से आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग बम्बई दिल्ली पंजाब कमाने चले जाते हैं, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा ऐसा कोई कॉलेज या ऐसी कोई संस्था नहीं है जो रोजगार परक उनको शिक्षा दे सके और अपना रोजगार वो अपने गांव में या अपनी ही जगह पर कर सकें। तो पलायन रोकने के लिए एक ये बहुत जरूरी है। और एक इटिया थोक जो गोंडा बल्लामपुर मार्ग है, इटिया थोक में एक सकरा पुल है बिसुई नदी पर, वो सिंगल हो जाता है, वो अगर डबल हो जाए तो आने जाने की सुविधा हो जाएगी, जाम बहुत लग जाता है उसके लिए। और एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, रुपई डी ब्लॉक जो है हमारा वो बहुत बड़ा है, उसमें करीब करीब 125 ग्राम सभा आती है और उसकी कुछ ग्राम सभा हमारे बिल्कुल इटिया थोक जो ब्लॉक के पास तक पहुंच जाता है। वहाँ के लोगों की मांग है कि इस ब्लॉक को दो भागों में डिवाइड कर दें, एक महाराजगंज में अगर हो जाए तो प्रधान बीडीसी और जनता को दूर ब्लॉक जाने से निजात मिल सकती है। और इटिया थोक धानीपुर को नगर पंचायत बनाया जाए, इसकी भी मांग है और इसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या रहेगा? स्वास्थ्य की सुविधाएं, जैसे आप जान ही रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की थी, वो और भी अच्छी तरीके से चले, क्योंकि अभी कहीं जाएं तो ये होता है कि एम्बुलेंस वाले कहते हैं डीजल नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि समय से नहीं पहुंचते हैं। एक बार मैं ही एक न्योते में जा रही थी और दो लड़के आपस में, मेरे को पता चला कि वो मोटरसाइकिल से टकरा के जमीन पे गिरे हुए थे और भीड़ बहुत लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि टक्कर हो गई। हम कहा आप एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, हम एक घंटे से कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। फिर हमने स्वयं उसको फ़ोन करके और वहाँ पे जो तैनात सिपाही थे, एसओ थे, उनको बताया कि ऐसी व्यवस्था है और आप पहुंची हैं, तो समझिए कि आधे घंटे बाद वो दोनों बच्चों को लेके गए हैं। भगवान की असीम कृपा थी कि दोनों बच्चे सकुशल हैं इस समय। अगर तुरंत ही आ जाते एम्बुलेंस वाले तो लगता है कि और जल्दी वो ठीक हो जाते, जहाँ 2 महीना लगा वो 15 दिन में ठीक हो जाते। तो थोड़ा सा जो तुरंत ना पहुंचने की व्यवस्था है उसको कराई जाए, दवाई दी जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाए और महिलाओं को जागरूक भी किया जाए स्वास्थ्य संबंधी। और मैं ये समझती हूँ कि जो आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, उनको शिक्षित होना तो आवश्यक है, साथ ही साथ उनको उनके क्या अधिकार हैं और अधिकार के साथ उनके कर्तव्य भी क्या हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और अगर इस तरीके से हम बच्चियों को शिक्षित कर पाते हैं तो संभवतः एक सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं। देखा जाए तो राजनीति में जातिगत समीकरणों को भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। विधानसभा सीट की, आपके विधानसभा सीट की बात की जाए तो सवर्ण बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मणों की आबादी 84% सवर्ण बाहुल क्षेत्र है, क्या लगता है आपको? मैं ये समझती हूँ कि 2004 से जो राजनीति में अप्रत्याशित रूप से मुझको आना पड़ा विपरीत परिस्थितियों में, मुझे संभवतः राजनीति वास्तव में क्या होती है इसको भी समझने में कुछ समय भी लगा, लेकिन मैंने जैसा कार्य किया पूरे महनोन विधानसभा को ही नहीं वरन जो भी मुझसे मिला, मैंने परिवार की तरह उससे मुलाकात की, उसके सुख दुख में मैं मौजूद रही और जिस तरीके से मैंने कार्य किया तो मुझे लगता है कि मुझे जनता का प्रेम और सहयोग प्राप्त हो रहा है और हमेशा मिलता रहा है, सम्मान भी मिलता रहा है। मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकती, आज भी अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सम्मान दिया जाता है और वो हृदय से दिया जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कहेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है आपको 10 मार्च के नतीजे, क्या हवा नजर आ रही है? देखिए 10 मार्च तो 10 मार्च ही बताएगा क्या होगा, और प्रयत्नशील तो हैं ही हैं हम और पॉजिटिव सोचते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि पक्ष में होना चाहिए जी।
बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता जी साधना न्यूज को समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ महनौन विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी नंदिता शुक्ला जी, जिनका कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का प्यार भी मिल रहा है। हालांकि 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे कि जनता का रुख क्या होता है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज गोंडा।